चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहे थे और उनके आंसर बताए जा रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से यानी कि विश्व के इतिहास से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं और उनके आंसर बताए गए हैं। यहाँ वनडे एग्जाम कहने का मेरा मतलब होता है जैसे SSC, बैंक, रेलवे और भी आपकी जो भी परीक्षाएँ होती है एक दिन में होती हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हो, इस प्रकृति के क्वेश्चंस जिस भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस जरूरी है, आपकी महत्वपूर्ण है। और एक बात और याद रखिए कि ये क्वेश्चंस वही लिए जा रहे हैं जो पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो अब तो आप देख रहे हैं CET आ गया, तो इसमें भी आपका इसके लिए भी जरूरी रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 12 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 13वां टेस्ट है। और याद रखिए 12 टेस्ट आपके मॉक टेस्ट फॉर वनडे एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं। चलिए 13वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं और बड़े विस्तार से देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन से आपने सॉल्व किया तो हो सकता है उससे तीन चार प्रकार के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद किस महाशक्ति ने मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया था? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद किस महाशक्ति ने मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका, किसने? अमेरिका ने। ये बात है आपकी, याद रखिए, 7 दिसंबर 1941 की द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि पहला विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चला? पहला विश्व युद्ध आपका चला 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध चलता है आपका 39 से यानी कि 1939 से 1945 तक, ठीक है, याद रखिए। और वैसे आपका जब हमने किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की हुई थी तो उसमें आपका विश्व का इतिहास भी पढ़ाया गया था, उसमें बड़े अच्छे से इस सब के बारे में बताया गया है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा, 1939 में पोलैंड के पांचवें विभाजन में जर्मनी का सहयोगी कौन सा देश था? 1939 में पोलैंड के पांचवें विभाजन में जर्मनी का सहयोगी कौन सा देश था? तो आप जानते हैं कि सोवियत संघ। याद रखिए सोवियत संघ कब तक रहा? 1991 तक। उसके बाद विघटन हो गया सोवियत संघ का, और उसके बाद ये क्या आज हम लोग जिसे रूस कहते हैं, पहले इन रूस को और इसके सहयोगी देशों को क्या कहते थे? सोवियत संघ। जो आपका शीत युद्ध चला, एक तरफ सोवियत संघ थे यानी कि सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे, एक तरफ आपकी अमेरिका शक्ति थी, इन दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। तो इसमें क्या लगाएंगे आप? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? मुझे लगता है आपको मालूम होगा, 40। इसलिए तो बोलता हूँ कि पहले आप लोग बड़े डिटेल से पढ़ लीजिए इन्हें, उसके बाद आप लोग इनके बारे में सामान्य जानकारी जैसे किरण सामान्य ज्ञान बुक्स, मुझे लगता है कि आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ये मटेरियल है वो GS के लिए, और उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस जाएगा आपका। आप उन लोग जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट की बात की जा रही है, इसका जन्म होता है 15 अगस्त 1769 में फ्रांस में होता है, और इसकी डेथ यानी कि ये मरता है 5 मई 1821 को, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में कौन सी प्रथा का अंत हुआ? फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में कौन सी प्रथा का अंत हुआ? तो आप जानते होंगे सामंत प्रथा का। एक बात और याद रखिए, फिर चाहे आपकी कोई क्रांति हो या औद्योगिक क्रांति हो आपकी या इस तरह की कोई भी सुधार हो, आपके यूरोप के देशों से ही शुरू हुए, फ्रांस से और यूरोप के देशों से, उसके बाद आपने देखा है दुनिया भर में ये फैले। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इसमें देखा था आपने सामंत प्रथा खत्म हो गई थी, क्या हो गई थी? खत्म कर दी गई थी, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति की बात करें तो ये
आप देखेंगे इसे आप लोग, ये 1789 से आपकी 1799 तक चली थी। कब तक? 1789 से 1799 तक। क्वेश्चन है हमारा अगला, राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया। राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया कब लड़ा गया, किस किस के? ए लिपजिंग, लिपजिंग के मैदान में राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया, लिपजिंग के मैदान में। ये आपकी 1814 के करीब की बात है। इसमें देखा था आपने कि प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस तथा स्वीडन ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया था, और नेपोलियन के विरुद्ध दक्षिणी जर्मनी के लाइफ सिंह की युद्ध में उसे पराजित किया था। इसे आप लोग राष्ट्र राष्ट्र की युद्ध के नाम से जानते जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वह आया, उसने देखा, उसने जीत लिया, यह कथन नेपोलियन के किस अभियान से संबंधित है? वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया, यह कथन नेपोलियन के किस अभियान से संबंधित है? यह आपका प्रथम इटली अभियान से, प्रथम इटली अभियान से। याद रखिए नेपोलियन से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा, तो इसके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है हमारा अगला, नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा था, युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार बना रहा और युद्ध में ही उसका अंत होना था, यह कथन किसने कहा था? कौन सा? नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध से ही पनपा था, युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार बना रहा और युद्ध में ही उसका अंत होना था, यह कथन किसका था? इतिहासकार काब्बन का, इतिहासकार काब्बन का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रायद्वीपीय युद्ध कब से कब तक चला? प्रायद्वीपीय युद्ध कब से कब तक चला? आपने देखा होगा कि 1808 से 1814 तक, 1808 से 1814 तक ये चला आपका प्रायद्वीपीय युद्ध। ठीक है, प्रायद्वीपीय, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीपीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रायद्वीपीय जो युद्ध हुआ ये किन किन के मध्य हुआ था? तो आप जानते हैं कि फ्रांस व स्पेन के मध्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि सहायता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी, यह कथन किसका है? मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों में की विजय में नहीं है, मेरी विधि सहायता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? ये था आपका नेपोलियन का। किसका? नेपोलियन का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा अभियान नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक जहरीला फोड़ा या फिर नासूर साबित हुआ? क्या? कौन सा अभियान नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक जहरीला फोड़ा या फिर नासूर साबित हुआ? तो आप जानते हैं स्पेन, स्प्रेन। क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये आपका क्रोपा, क्रोपा कोपार्ट क्रीन, कोपार्ट क्रीन। क्वेश्चन है अगला हमारा, विश्व में कुछ असंभव नहीं है, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में है, यह कथन किसने कहा था? नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन का। आप समझिए कि नेपोलियन से भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं कि विश्व में कुछ असंभव नहीं है, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में आता है। आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करना असंभव नहीं है, यानी कि आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, 1807 ईस्वी में रूस और नेपोलियन के मध्य हुई प्रसिद्ध संधि कौन सी है?
जिससे नेपोलियन अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच गया था। 1807 में रूस और नेपोलियन के मध्य हुई प्रसिद्ध संधि कौन सी है जिससे नेपोलियन अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो आप देखते होंगे कि ये थी टिल सिट की संधि, टिल सिट की संधि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कैसा है? सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 दिसंबर 1805 को लड़े गए तीन सम्राटों की युद्ध ऑस्टरलिज युद्ध में निम्न में से कौन सा सम्राट शामिल नहीं था? दिसंबर 1805 को लड़े गए तीन सम्राटों यानी कि तीन सम्राटों के बीच युद्ध के में निम्न में से कौन सम्राट शामिल नहीं था इसमें? तो इसमें आप देखेंगे कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट शामिल था, स्पेन का चार्ल्स चतुर्थ ये बिल्कुल शामिल नहीं था, रूस का अलेक्जेंडर प्रथम ये भी शामिल था, ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ये भी शामिल था। तो इसमें क्या लगाएंगे आप? बी। याद रखिए इसे आस्टर लीज युद्ध के नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें आपका बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, नेपोलियन के राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा पोप उन उसके दरबार में उपस्थित था? नेपोलियन के राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा पोप उनके दरबार में उपस्थित था? पोप पायस सप्तम ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, किस संधि द्वारा नेपोलियन ने सभी अधिकार त्यागे थे? किस संधि द्वारा नेपोलियन ने सभी अधिकार त्यागे थे? तो ये थी आपकी फॉन्टेन वल्यू संधि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वाटरलू के युद्ध में बिरसा का सेनापति कौन था? वाटरलू के युद्ध में बिरसा का सेनापति कौन था? तो ये था बिलोचर, बिलोचर ये आपका हुआ था 1815 की बात की जा रही, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, 18 जून 1815 की बात है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आधुनिक यूरोप का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक यूरोप का निर्माता किसे कहते हैं? नेपोलियन को। किसे? नेपोलियन को। देख रहे होंगे आप लोग कि क्वेश्चंस नेपोलियन से कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पुनः फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पुनः फ्रांस का सम्राट कब बना? ये बात है आपकी, देखेंगे आप लोग फरवरी 1815 में, फरवरी 1815 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंग्लैंड ने स्पेन की जनता की सहायता हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा जो भारत का गवर्नर भी रहा है? इंग्लैंड ने स्पेन की जनता की सहायता हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा जो भारत का गवर्नर भी रहा था? कौन था इसमें? ये था आर्थर वेलेजली। आप देखते हैं ना कि वेलेजली हमारे यहाँ का गवर्नर भी रहा है भारत का, अंग्रेजों की समय की बात की जा रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन ने स्पेन के किस सम्राट को सिंहासन से हटाया था? नेपोलियन ने स्पेन के किस सम्राट को सिंहासन से हटाया था? तो ये था जोसेफ बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट। क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, महाद्वीपीय व्यवस्था का आधार क्या था? महाद्वीपीय व्यवस्था का आधार क्या था? ये था मॉन्ट गिलार्ड का स्मृति पत्र, मॉन्ट गिलार्ड का स्मृति पत्र, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन है हमारे सामने,
कितने वर्षों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के अवशेष लाकर उसका सम्मान पेरिस में पुनः अंतिम संस्कार किया गया था? कितने वर्षों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के अवशेष लाकर, यानी कि उसके मरने के बाद जो भी आप समझ रहे हैं, लाकर उसका सम्मान पेरिस में पुनः अंतिम संस्कार किया गया था? तो ये 20 20 वर्षों बाद, क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको भी अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो इस क्लास का, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपकी जो भी क्लास आती है सुबह आप देखते हैं कि आपका सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट आ रहा है, शाम को आपका वन डे एग्जाम से संबंधित, तो आप लोग प्रेस कर लें, जिससे जब भी अपलोड हुआ करे आपके पास आ जाया करेगा नोटिफिकेशन। और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन ज्वाइन करके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आपकी एनसीईआरटी की डाल दी गई, लूसेंट की डाल दी गई, और भी जो आपकी इस तरह के सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं उनकी भी वहाँ पीडीएफ डाल दी गई। क्वेश्चन हमारा सामने, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 5 मई 1821 में, 5 मई 1821 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन ने अपना शेष जीवन किस द्वीप पर कैदी के रूप में गुजारा था? वाटरलू युद्ध में पराजय होने के बाद नेपोलियन ने अपना शेष जीवन किस द्वीप पर कैदी के रूप में गुजारा था? ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं, कई बार, कई तरह की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये था सेंट हेलिना द्वीप, सेंट हेलिना द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, वाटरलू के युद्ध में अंग्रेज सेना का सेनापति कौन था? वाटरलू के युद्ध में अंग्रेज सेना का सेनापति कौन था? आर्थर बेलेजली, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? ये था आर्थर वेलेजली, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन के जीवन का 40वां वह अंतिम युद्ध कौन सा था, जिसमें पराजय के बाद नेपोलियन के भाग्य का सूरज सदैव के लिए अस्त यानी कि डूब गया था? तो ये यही था आपका वाटरलू युद्ध, वाटरलू युद्ध, ये आपका आप जानते हैं 40वां युद्ध था उसका अंतिम। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, वैसे पीछे भी बता चुका हूँ वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 18 जून 1815 को, 18 जून 1815 को। देखिए आपके क्वेश्चंस अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से बनते हैं तो इसी मतलब इन्हीं से प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और फ्रांस की क्रांति हो गई, इस तरह के जो भी चर्चित रहते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड का इतिहास पढ़ना इतना आसान भी नहीं है, कितना भारी होगा ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतना है, तो विश्व का इतिहास तो छोड़िए। तो इसलिए ये जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं नहीं आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बाकी छोड़िए, जो भी होगा देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस की प्रथम संधि द्वारा फ्रांस की सीमाओं का निर्धारण कब हुआ था? पेरिस की प्रथम संधि द्वारा फ्रांस की सीमाओं का निर्धारण कब हुआ? तो आप देखेंगे ये 1792 में हुआ था। कब? 1792 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन के पश्चात फ्रांस की अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? नेपोलियन के पश्चात फ्रांस की अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो ये था तेलेरान, तेलेरान, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन को एल्वा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया था? नेपोलियन को एल्वा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया था? तो आप जानते होंगे कि लुई 18वें को,
लुई 18वां, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 31 मार्च 1814 ईस्वी को पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? 31 मार्च 1814 को पराजय स्वीकार करने लेने के बाद नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो ये था एल्वा द्वीप। कहाँ? एल्वा द्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? फ्रांस व रूस के मध्य युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की लगभग 2/3 सेना भूख व ठंड से नष्ट हो गई थी? फ्रांस व रूस के मध्य युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की लगभग 2/3 सेना भूख व ठंड से नष्ट हो गई थी? तो ये है 1812 की बात। 1812 की बात, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। लिपजिंग का युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की भारी पराजय हुई थी? नेपोलियन की भारी पराजय हुई थी इस युद्ध में। ये हुआ था आपका अक्टूबर 1813 में। अक्टूबर 1813 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का क्या नाम था जिसके साथ नेपोलियन ने 1809 में दूसरा विवाह किया था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी क्या क्या नाम था जिसके साथ नेपोलियन ने 1809 में दूसरा विवाह किया था? तो ये था लुइसा। क्या था? लुइसा इसका नाम था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने। 19 जुलाई 1808 को किस युद्ध में स्पेन की जनता के विरुद्ध फ्रांस की सेना की पराजय हुई थी? जुलाई 1808 को किस युद्ध में स्पेन की जनता के विरुद्ध फ्रांस की सेना की पराजय हुई थी? तो यह था वेलेन का युद्ध। क्या था? वेलेन का युद्ध। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से क्या अभिप्राय था? नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से क्या इसका मतलब था? इंग्लैंड को व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में परास्त करना, इसका एक तरह से मतलब था। ठीक है, क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्यों की क्या व्यवस्था थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्यों की क्या व्यवस्था थी? 16 राज्यों का एक जर्मन परिसंघ बनाया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रेस वर्ग की संधि द्वारा फ्रांस में मिलाए गए प्रदेश कौन से थे? प्रेस वर्ग की संधि द्वारा मिलाए गए प्रदेश में कौन प्रदेश कौन से थे? तो ये था, आप देखते होंगे कि बाबेरिया और गोटेनबर्ग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने अगला। ऑस्ट्रिया और रूस के शासकों की सेनाओं को दिसंबर 1805 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा किस स्थान पर परास्त किया गया था? तो ये था मोरबिया। मोरबिया क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने। नेपोलियन को फ्रांस का राजमुकुट किसने पहनाया था? नेपोलियन को फ्रांस का राजमुकुट किसने पहनाया था? स्वयं ही उसने पहन लिया था, किसी से उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक नेपोलियन, आप सोचिए, एक वो राजा था एक तरह से निरंकुशवादी, समझ रहे हैं आप लोग, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उसे कहते हैं आप लोग निरंकुश। इसके शब्द से ही आपकी परिभाषा निकल आती है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 को किस चर्च में हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 को किस चर्च में हुआ था? ये था आपका नोत्रे दामे चर्च।
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन कब आजन्म कौंसल बना दिया गया था? क्या है, नेपोलियन कब आजन्म कौंसिल बना दिया गया था? ये 1802 की बात है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से क्या नेपोलियन की विधि सहायता का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से क्या नेपोलियन की विधि सहायता का भाग नहीं था? नागरिक संहिता था, नागरिक विक्रिया संहिता, दंड विधान संहिता ये भी था, लेकिन धर्म विवाद संहिता नहीं था। इसमें क्या करेंगे आप लोग? डी ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की विधि संहिता में कितने प्रकार के कानून थे? इसमें आप देखेंगे पांच प्रकार के थे। कितने? पांच प्रकार के, यानी कि डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही देखेंगे। विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये था अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता की विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी यहाँ मतलब होता है प्रकाश की गति, एम मतलब किसी वस्तु का सापेक्ष द्रव्यमान, और ई का मतलब होता है यहाँ गतिज ऊर्जा। ई का मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन है हमारे सामने, नेपोलियन द्वारा फ्रांस को कितने प्रांतों में बांटा गया था? नेपोलियन द्वारा फ्रांस को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो 83, यानी कि आप देखेंगे 83। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन ने 1807 में किस युद्ध में रूस को परास्त किया था? फ्रीडलैंड के युद्ध में, फ्रीडलैंड के युद्ध में। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। याद रखिए, नेपोलियन को आप लोग बार बार बोल रहा हूँ, इस पर फोकस देकर पढ़ लें इसे डिटेल से, विस्तार से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लीजिए, बहुत आपको मटेरियल दे चुका हूँ। अगर आप एडजस्ट करके पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं उसमें। कंप्यूटर साइंस पूरा करवा चुका हूँ कवर, उसके टेस्ट भी लगवा दिए हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा, जीके जीएस आपका पूरा कवर करवा चुका हूँ। लूसेंट प्रचाय आपकी किरण सामान्य ज्ञान बुक्स हो, और ज़्यादा आपको अगर मन है, इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो एनसीईआरटी कवर कर चुका हूँ, उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो आप तो पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले 14वीं टेस्ट में।